नानू कैसा लग रहा है? जैसे दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मेरा भी फर्स्ट टाइम यार स्पीच लेस एक्सपीरियंस होने वाला है और हो भी रहा है, मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता है क्योंकि मेरी लाइफ की फर्स्ट स्नोफॉल है, सो मैं तो क्या ही बोलूं। और इसका तो आपने सुनी लिया, बाकी इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, -1 degree टेम्परेचर अभी मैंने चेक करा था और हाथ बर्फ़ की तरह जम रहा है, और अभी जिस हाथ से मैंने कैमरा होल्ड करा हुआ है वो तो अकड़ चुका है बिल्कुल। और अभी थोड़ी सी कम हो गई है, और अभी थोड़ी देर पहले इतनी ज़्यादा थी जब मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया था, सो बहुत मज़ा आ रहा है। तो स्नोफॉल को करते हैं अच्छे से इंजॉय और बैक कैमरा करके आप सभी को स्नोफॉल दिखाता हूँ, तो दिखाएं। नानू कैसा लग रहा है? पूरा वाइट वाइट हो गया। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बस। अभी पैसे वसूल हुए? पक्का। अच्छा अगर यहाँ की तो बारिश धूप वाली होती तो भाग नहीं होती। और अभी ऊपर से देखना दोस्तों, तेरा माल रोड और माल रोड के ऊपर लाइटिंग काफी मस्त हो रखी है। बाकी एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर स्नोफॉल नहीं हो रही है। हाँ, यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो रही, ऊपर वाली साइड में देखो बिल्कुल भी नहीं है। और हम उस वाली साइड में खड़े थे जहाँ पे ये फ्लैग लगा हुआ है, और वहाँ पे काफी तेज स्नोफॉल हो रही थी, अभी आपने देखा भी था। और अभी खाने पीने के लिए हम कुछ दूर रहे हैं, भूख बहुत ज्यादा लग रही है क्योंकि हमने कहीं कुछ नहीं खाया, सोचा था माल रोड पे ही जाके खाएंगे। सो ढूंढते हैं कहाँ पे मस्त खाना मिल रहा है, और मस्त चाउमीन मिल रही है इनके लिए। तो दोस्तों पीछे गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, वो सारा कुछ घूम लिया क्या, फोटो वगैरह क्लिक कर ली यहाँ पे, और हैवी क्या जिसको हम घूम है, लेकिन व्यू काफी मस्त आता है यहाँ से। और रही सही का सर स्नो ने पूरी कर दी, और उस वाली साइड में चर्च के पास चलते हैं, वहाँ पे भी थोड़ी फोटोज वगैरह क्लिक कर लेते हैं। जैसे दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी। नानू ये शॉप मिली है खाना है कुछ? चाउमीन तो यहाँ पे नहीं है, क्या करूँ चाउमीन खानी है। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊँ, मोमोज मिल रहे हैं, खाओगे नानू? नहीं चाउमीन खानी है। चाउमीन तो नहीं मिल रही, यहाँ पे मोमोज मिल रहे हैं, और कुछ मिल रहा है? क्या मिल रहा है? 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊँ, बर्गर भी मिल रहा है यहाँ पे, बर्गर खाओगे? वही है लास्ट, और कुछ नहीं मिल रहा है, खाना है तो जल्दी बताओ। चलो ठीक है, अब आपको बर्गर खिलाते हैं, ठीक है? मोमो सच में नहीं खाना? नहीं, 4 बर्गर कर दो, और 2 प्लेट मोमो, 2 प्लेट मोमो का। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं एंजॉय करूँगी। काम हो गया? हाँ, हो गया। खाने को मिल रहा है? हाँ। बट अभी तो तुम 20-20 रुपए दे के बड़े दुखी हो रहे थे। 40 रुपए थी ना, मैं गोलगप्पे बहुत सारा खा सकती थी। अब वो मैं तो आपको खिलाऊंगा नहीं, कोई बात नहीं, मैंने देखा है किस जगह रखे हैं पैसे। तो मैं कुछ खाना है? नहीं, हमारा हो गया, मोमोज ट्राई करो। तो रहने दो फिर। तो ये रहे अपने मोमोज और बर्गर, खा लो नानू। और मैं भी जल्दी से खा लेता हूँ, नहीं तो सारे ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों रात के बज गए 11:30 और हम जा रहे हैं माल रोड से नीचे। और बैड न्यूज ये थी हमारे लिए कि लिफ्ट हो गई थी बंद, और अब हमें सीढ़ियों से उतरना पड़ रहा है। अभी तो तुम लिफ्ट से आए, तब जीने से उतरने के बाद कैसा लग रहा है? क्या हो रही है? हालत खराब हो रही है। ओहो, और ठंड से? तो मैं पता है मेरे हाथ जम चुके हैं, लाल पड़े हुए बिल्कुल, ये देखो विदाउट ग्लव्स यार मत आना, और बिल्कुल लाल हो रखे हैं। और जिस हाथ से मैं कैमरा ऑपरेट कर रहा हूँ मेरी उंगलियां बिल्कुल काम नहीं कर रही। सो यहाँ से पहले जल्दी से नीचे चलते हैं और कार में बैठते हैं, हीटर चलाते हैं और अपने हाथों को गर्म करते हैं, देन यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे। तो फाइनली मैं आ गया जीने से नीचे और कार पार्किंग के पास, अंधेरा काफी ज्यादा हो रहा है, सारी दुकानें बंद हो गई हैं, और बस यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें जल रही है, और जो नए नए लोग यहाँ पे घूमने आ रहे हैं उनकी लाइट जल रही है, बाकी मैं तो आपको दिख ही नहीं रहा हूँ। फाइनली एक स्ट्रीट लाइट मिली है, अब आप लोगों को मेरी शक्ल दिखाई दी होगी,
इतनी ज़्यादा ठंड है मैं नहीं बता सकता यार, और स्नोफॉल भी हो गई सो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जीव लड़खड़ा रही है आपस में ठंड की वजह से, और हाथ तो बिल्कुल ही टेपड़ है, मुँह भी लाल हो गया। और कभी भी शिमला आ रहे हो तो भाई रोड पे कार मत खड़ी करना, चालान कट जाएगा, कितने रुपए का वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, सो इसलिए पार्किंग में कार खड़ी कर देना, ज़्यादा महंगी यहाँ की पार्किंग नहीं है। ठीक है। सो दोस्तों मैं पहुंच गया फाइनली अपनी कार के पास, और मैंने भाई विजय हासिल कर ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यार। मेरे इस वाले हाथ ने तो क्या, मेरे दोनों ही हाथों ने काम करना बंद कर दिया है, अभी मेरे को कैमरा भी ऑन करना था ना, तो मैंने इस तरीके से ऑन करा है, तो आप खुद समझ सकते हो कि मेरा थंब बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। और टेम्परेचर यहाँ पे -3 जा चुका है इस टाइम पे, और स्नोफॉल तो हुई थी, तो मेरी लाइफ की यार फर्स्ट स्नोफॉल थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और सब ने काफ़ी इंजॉय करा, आपने वीडियो में देखा भी होगा। बाकी स्नोफॉल कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपने कभी देखी है नहीं देखी। सो पहले यहाँ से कार को निकालते हैं बाहर की तरफ और फिर चलते हैं दिल्ली की साइड में, और रास्ते में कहीं पर अगर रुकते हैं और कोई अपडेट होती है तो मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप शिमला से दिल्ली जाने वाले हैं। सो चलते हैं कार के अंदर और निकलते हैं दिल्ली की तरफ। शिमला से आ गए यहाँ पे, फास्ट टैग भी यूज़ होता है, और ये गेट गया खुल और पहला टोल पड़ा था ये, और इसका जो प्राइस था 55 रुपीज़ था, और रोड भी एक नंबर का हो रखा था, काफ़ी अच्छी स्पीड निकली पीछे, खूब 60-70-80 तक गई, और एक टनल पड़ी जो आपने भी देखी होगी भाई, बड़ी मस्त थी वो। सो अब चलते हैं यहाँ से और आगे की तरफ, देखते हैं क्या सब कुछ रहने वाला है। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए मूरथल, और यू टर्न ले लिया है अमरीक सुखदेव के लिए नहीं, गरम के लिए, वो खुला हुआ है वहाँ पे, मैंने अभी देखा था, कोई शो ऑफ नहीं कर रहा मैं। चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ, डिनर बोलू या ब्रेकफास्ट समझ नहीं आ रहा क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 6:30, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। गया मैं गरम धर्म पे था, लेकिन वहाँ पे जो खाना मिल रहा था वो प्रॉपर नहीं मिल रहा था, मतलब वहाँ पराठे मिल रहे थे और चाय मिल रही थी, और मुझे खाना खाना था क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। सो खाना वाना सब कुछ खा लिया, और रास्ते में भी फ्यूलिंग भी करवानी है, सो पहले फ्यूलिंग करवा लेते हैं फिर निकलते हैं घर की तरफ, वही चल कर करते हैं आप सभी से बातचीत। ठीक है। तो फाइनली मैं आ गया वापस हिमाचल का, अपना पूरा का पूरा टूर कंप्लीट करके, और काफी ज्यादा मजा आया, काफी ज्यादा हमने उसको एंजॉय भी करा, और बहुत शॉर्ट टर्म ट्रिप थी, लेकिन वीडियोस मैंने ज्यादा बनाई क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बनाने से आप सभी बोर हो जाते और मुझे भी अच्छा नहीं लगता अगर आप सभी बोर होते। रिस्पॉन्स मैं जानता हूँ बहुत अच्छा नहीं आया, लेकिन इन फ्यूचर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे प्यार बढ़ता है सो बढ़ जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दिल्ली तो मैं सुबह 7 बजे पहुंच गया था, लेकिन वीडियो का एंड मैंने उस टाइम इसलिए नहीं करा, एक तो भाई बहुत ज्यादा नींद आ रही थी क्योंकि काफी ज्यादा ड्राइव करा था, और सोने को भी बस एक ही जगह मिला था वो भी कांगड़ा में, और हमारी जो प्लानिंग थी हिमाचल के अंदर वो सिर्फ 2 टेम्पल्स की थी, कांगड़ा देवी और ज्वाला जी, पहले कांगड़ा जाना था देन ज्वाला जी आना था, बट जब हम उस वाली साइड में गए तो हमें पता लगा कि रास्ते में नैना देवी भी पड़ती हैं और चित्रकूर्णी माता भी पड़ती हैं, सो इसी टाइम पे प्लान हो गया हमारा चेंज, और फिर हमने वो सारा कुछ घूमा, आप सभी ने व्लॉग्स में देखा भी होगा। लेकिन एक चीज मैंने बहुत ज्यादा नोट करी है हिमाचल वाली साइड में जाते वक्त, क्योंकि मैं इस बार बस सेकंड टाइम गया था, पहले एक बार गया था मैंने तब भी नोट करी थी और मैंने अब भी नोट करी है कि जो वहां की लोकल पुलिस होती है हिमाचल की, वो बाहर की गाड़ी को देखते तो ऐसे रोकती है जैसे भाई साहब इसमें गाड़ी में आतंकवादी बैठे, सवारी नहीं है, और कागज देखेंगे ठीक है कागज है, क्योंकि दिल्ली की गाड़ी है हम सबके तो कागज नॉर्मली पूरे मिल जाते हैं, फिर ढूंढते हैं वो छोटी छोटी चीज है कहाँ से चालान काट सकते हैं, हालांकि मेरा कहीं चालान नहीं कटा, लेकिन सेम टाइम पे वहां पे काफी सारी अदर स्टेट की गाड़ियां खड़ी थी, जैसे यूपी एमएच एमपी इस जगह की भी गाड़ियां खड़ी हुई थी, सो भाई उनके कट रहे थे चालान दबके, मास्क के लिए नहीं रोक रहे सिर्फ लोकल्स को, जो बाहर से आ रहा भाई वो मास्क लगाएगा, जो लोकल है वो मास्क नहीं लगाएगा, ये मुझे समझ नहीं आया भाई हिमाचल वाली साइड में क्या ही पॉलिसी बना रखी हो। जब मैं यहाँ से गया था तभी मेरी कार में एक प्रॉब्लम थी, वो थी माउंट की, आवाज आ रही थी धीरे धीरे, उसके लिए मैंने कंप्लेंट डाली थी रिप्लेस करवाने के लिए, वो वहाँ पे उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, बट अभी वो बिल्कुल हो चुका है खराब, और काफी ज्यादा आवाज आने लगी है लेफ्ट साइड में से, और पहले इस वाली साइड का माउंट चेंज हुआ था, मुझे लग रहा है उस वाली साइड का चेंज होगा या दोनों चेंज होंगे, वो तो जब वहाँ खुलेंगे तभी पता लगेगा। एक तो ये वाली प्रॉब्लम आ गई, और दूसरी अब मेरी कार की होने वाली है सर्विस, मेजर सर्विस, 40,000 ये क्रॉस कर चुके, 41,000 चल चुकी है, और अभी तो आज मैं दिल्ली में आया हूँ, अभी तो नानू को और घुमाना है, क्योंकि अभी एक दो दिन नानू और है, अभी शॉपिंग उसे और ज्यादा करनी है, पता नहीं कितनी ज्यादा शॉपिंग करती है, सो अभी सब लोग घर पे आराम कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अभी हम दूसरी जगह पे निकलने वाले हैं, बाकी अभी जहां भी जाएंगे उसका व्लॉग आपको एक दो दिन बाद देखने को मिल जाएगा, और अभी तो और व्लॉग्स आने वाले हैं क्योंकि नानू अभी नहीं जा रही है, सो उसको भी घुमाना है, और आप सब भी हमारे साथ एंजॉय करना। एनालिटिक्स यार मेरे चैनल के मैं देखता रहता हूँ, सो
इतने सारे लोग देखते हैं, उसमें से इतने से लोगों ने सब्सक्राइब करा हुआ है, तो जो इतने बच्चे हुए भाई वो भी सब्सक्राइब कर दो। सो मुझे भी उस टाइम पे अच्छा लगेगा जब मेरी यूट्यूब फैमिली ग्रो होगी। सो करते हैं इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए फ्रेश कॉन्टेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई वॉन्ट टू रीच 1 मिलियन।